नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है इनर्शिया ऑफ अ बॉडी हैज़ डायरेक्ट डिपेंडेंस ऑन, तो इनर्शिया किस पर डिपेंड करता है। तो देखो इनर्शिया सबसे पहले पता होना चाहिए कि होता क्या है। इनर्शिया होता है इट टेल्स दैट एवरी मटीरियल बॉडी हैज़ अ प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच इट रेजिस्ट द चेंज इन इट्स स्टेट। अगर कोई एक मास रखा हुआ है तो ये अगर रेस्ट पे है, इसकी स्टेट जो है वो रेस्ट की है, तो ये रेस्ट पे ही रहना चाहता है। अगर मैं इसकी स्टेट को चेंज करने की कोशिश करूं एक फोर्स के द्वारा, तो ये अपनी स्टेट को चेंज होने से रेजिस्ट करेगा। फोर्स बढ़ाऊंगा, अभी भी नहीं चला तो मतलब रेजिस्ट कर रहा है। फोर्स एक मिनिमम फोर्स ऐसा आएगा, एक फोर्स की वैल्यू वो आएगी जिस पे ये जस्ट चलने लगता है, यानी कि उस वैल्यू से। सपोज़ ये 10 न्यूटन पे चलने लगता है, यानी कि 10 न्यूटन से कम पे ये नहीं चल रहा है, 9 न्यूटन पे नहीं चल रहा है, 8 न्यूटन पे नहीं चल रहा है, तो ये जो मैं फोर्स लगा रहा हूँ, तो ये मेरा 8 न्यूटन का फोर्स या 9 न्यूटन का फोर्स जो मैंने लगाया, उन सभी फोर्सेस को ये अपोज़ कर रहा है। तो इसके अपोज़ करने की इसी प्रॉपर्टी को हम लोग इनर्शिया कहते हैं। अब अगर ये छोटी बॉडी है और एक बहुत बड़ी बॉडी है, तो छोटी बॉडी का अगर मास कम है, बड़ी बॉडी का मास ज़्यादा है, तो जितनी ज़्यादा बड़ी बॉडी होगी या ज़्यादा मास की होगी वो उतना ज़्यादा अपोज करेगी। ऑफ कोर्स बड़ी बॉडी जिसका मास ज़्यादा है उसकी स्टेट को चेंज करने में और ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, क्यों, ठीक है ना। तो और ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा तो इसका मतलब उसका जो इनर्शिया है वो भी ज़्यादा हो गया, ठीक है ना, क्योंकि वो और ज़्यादा रेजिस्ट करेगी। तो जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा, रेजिस्टेंस ज़्यादा कब होगा, अपनी स्टेट को रेजिस्ट कब करेगी कोई बॉडी, जब उसका मास ज़्यादा होगा, है ना। और मास ज़्यादा होगा तो उसकी स्टेट को चेंज करने के लिए फोर्स भी हमको ज़्यादा ही लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो मास ज़्यादा होगा तो इसका मतलब उसका इनर्शिया भी ज़्यादा होगा, क्योंकि वो रेजिस्ट भी क्या कर रही है, ज़्यादा ही कर रही है। तो अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा हुआ तो इनर्शिया भी ज़्यादा हुआ, इसका मतलब उसका मास भी ज़्यादा हुआ। तो इनर्शिया हम कह सकते हैं मास पर डिपेंड करता है।